अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अभी हम मदीना मुनव्वरा से आपको दिखाएंगे, ये मेरे पीछे ये म्यूज़ियम है जहाँ पे एनिशंट पुराने कुछ तबरुकात रखे हुए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के। तो हम आपको वो दिखाएंगे। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और वीडियो एंड तक देखते रहिए। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये इशा के बाद खुलता है, यानी 9 बजे के बाद खुलता है, दिन में बंद होता है ये। तो हम दिन में यहाँ आए थे, तो दिन में इन्होंने बोला कि रात को खुलता है, तो अभी हम रात में आए 9 बजे। तो अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है, कौन कौन से तबरुकात रखे हुए हैं, आपको भी ज़्यारत करवाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज़्यारत करेंगे इन तबरुकात की। ये दोस्तों म्यूजियम के अंदर हम आ गए, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। इस म्यूज़ियम को तुर्की म्यूज़ियम या अल हिजाज रेलवे म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि इस वीडियो को हमने कई हिस्सों में बनाया है, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो हमने सोचा था कि ये वीडियो 5 या 10 मिनट में पूरी बन जाएगी। जब हमने यहाँ वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट तक बन गई, इसलिए हमने इसको कई पार्ट में, कई हिस्सों में अपलोड किया ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें और समझ जाएं कि यहाँ की एक एक चीज़ की मालूमात आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई है ये कब और कहाँ से मुंसलिक है और इनकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये कुछ नायाब पत्थर है जो मदीना मुनव्वरा से के पहाड़ों से निकाले गए हैं, और ये जो लकड़ी आपको नज़र आ रही है इसको ऊद लकड़ी कहते हैं। ये भी मदीना शरीफ से पैदा होती है, जो खुशबू के लिए जानी जाती है, जो जलाने से ज़बरदस्त, जिसको जलाने से ज़बरदस्त खुशबू आती है। और ये कुछ पत्थर तराशे गए हैं, ये पत्थर भी जो ये नगीने आपको नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर भी मदीना शरीफ से मुंसलिक है। ये जो दूसरी फ्रेम में आपको दिखाएंगे कि ये जो पत्तियां और कुछ फूल रखे हुए हैं इन जार्स में, ये मदीना शरीफ के गुलाब हैं और दूसरे किस्म के फूल भी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से तो नहीं है, लेकिन ये फूल मदीना शरीफ में उगते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपको तीसरा फ्रेम नज़र आ रहा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो पहले जो लोग यहाँ थे उनकी ज़बानों में ये पत्थर लिखे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नायाब पत्थर भी मदीना मुनव्वरा से मुंसलिक है, जो आप नज़र आ रहा आपको ये छोटे पत्थर और ये बड़े पत्थर उनकी लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे, तो आप देख सकते हैं उनकी ज़बानों में ये लिखे हुए हैं पत्थर। ये जो अगला फ्रेम हम आपको दिखाने वाले हैं, ये कुछ बर्तन आप देख सकते हैं, और ये साइड में चिराग है, ये छोटे छोटे बर्तन है, और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे वो लोग इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अभी अगला फ्रेम जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये चक्की है जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के से मुंसलिक है, मंसूब है, वो इसका इस्तेमाल करती थी। तो ये भी मदीना शरीफ मदीना मुनव्वरा से बनाई गई इन पत्थरों, नायाब पत्थरों से है। ये जो अगला फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं, ये बर्तन जो है ये कुकिंग के लिए और पानी रखने के लिए यूज़ किए जाते थे। बताया जाता है कि मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूज़ किए जाते थे। ये जो बर्तन है ये मिट्टी के बर्तन है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा टूटे हुए हैं लेकिन इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं यहाँ इस म्यूज़ियम में। आप देख सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के बर्तन जो मस्जिद नबवी में यूज़ किए जाते थे उस ज़माने में, मिट्टी के से बनाए हुए हैं ये। ये जो अगला फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, ये बर्नर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से यूज़ किया जाता था, वो ज़माने में यूज़ किया जाता था। और ये जो दूसरा ये पत्थरनुमा चीज़ है, ये भी कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें खाना बनाया जाता था। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये पॉट जो हैं, ये पानी के लिए यूज़ किए जाते थे उस ज़माने में।
ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बनाए हुए, ये भी मिट्टी के बनाए गए हैं, ये भी मिट्टी के बनाए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूज़ किए जाते थे पानी स्टोर करने के लिए। तो दोस्तों अभी अब आपको एक और ये अगला एक जार दिखाएंगे, जो ये वाला जार जो है ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अनु से मुंसलिका वो यूज़ करते थे, इसका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पास करके देख सकते हैं। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो इसका यूज़ करते थे, इसमें पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे इसका। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कुछ नायाब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं, ये अगला फ्रेम है जो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ सोने के दिरहम है जो यूज़ किए जाते थे उस टाइम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूज़ किए जाते थे। और ये जो नया पत्थर है इस पे दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी अब्दिका व रसूलिक वसलाम अलैहि व रहमतुल्लाह, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सहाबी वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में, तो वहाँ पे उस टाइम में लिखा हुआ है ये पत्थर पे किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लिखा हुआ है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा हुआ है ये पत्थर पे, तो ये आप ज़ियारत कर ले दोस्तों। और अभी हम आपको ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये मदीना मुनव्वरा के पत्थर है, नया पत्थर है। और ये कुछ सिक्के हैं, ये लिखा हुआ है कि ये कुछ सिक्के उस टाइम में यूज़ किए जाते थे मदीना शरीफ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़रीदारी के लिए यूज़ किए जाते थे, जो सहाबी रसूल यूज़ करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते थे। ये और कुछ दिरहम है, दिरहम यूज़ किए जाते थे मदीना मुनव्वरा में उस टाइम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में यूज़ किए जाते थे। तो ये कुछ गोल्ड दिरहम्स है जो उसके बाद यूज़ किए जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के उस टाइम में, जो खरीदो फरोख्त के लिए यूज़ किए जाते थे, करेंसी यूज़ की जाती थी, वो ये गोल्ड दिरहम्स थी। नाज़रीन ये था इस वीडियो का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहे और हमारी चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।